नहीं भाभी, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। दीदी के कमरे में वही वाली फोटोग्राफ लगेगी। और सुनाली, जो मैंने कह दिया वो कह दिया, जो फोटोग्राफ मैं कह रही हूँ वही लगेगी। भाभी प्लीज। क्या है ये सब? दीदी आपके लिए ये केसर, बादाम और पिस्ते वाला दूध, साथ में शीरा और गर्मा गर्म गोभी के पराठे। आइए बैठिए। सुनाली तुझे पता है ना, मुझे दूध बिल्कुल नहीं पसंद है। अब दीदी ये दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा, आई का ऑर्डर है। और जानती है आज से आपको खिलाने पिलाने और आपकी देखभाल की जिम्मेदारी आई ने हम दोनों को दे दी है, क्यों सुनाली? Yes. इसलिए फटाफट ये दूध पीजिए, नाश्ता खाइए और बताइए कि चेकअप के लिए कितने बजे जाना है। पहले मुझे ये बताइए कि आप दोनों झगड़ा किस बारे में कर रही थी। एक्चुअली दीदी मैं कह रही थी कि हम आपके बचपन की तस्वीर आपके कमरे में लगाएंगे, ताकि आप रोज अपने आप को सुबह देखें और जल्दी से अपने जैसे एक प्यारी सी भांजी हमें दे दें। नहीं, और मैं चाहती हूँ जीजू की तस्वीर लगे, ताकि बहुत जल्दी हमें जीजू जैसा एक बहुत क्यूट सा भांजा मिले, है ना? नहीं, कमरे में किशन कन्हैया की तस्वीर लगेगी, है ना कुसुम? चलो नाश्ता करो, ये लो दूध। किस्मत पाई है इस बच्चे ने, जिसके जन्म से पहले ही उसके पिता ने उसे ठुकरा दिया और उसकी माँ को खुशी के बजाय शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या होगा इसका? इसे कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिलेगा। कैसा होगा इसका भविष्य? कैसा? कुसुम, रो रही थी? देखो कुसुम, मैं तुम्हारी माँ हूं। एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है ना? तुम्हें अपने बच्चे के भविष्य की चिंता हो रही है ना? सब ठीक हो जाएगा, देखना यही बच्चा आगे जाकर तुम्हारा भविष्य बनेगा, तुम्हारा सहारा बनेगा। इसलिए इस बच्चे के लिए तुम्हें हमेशा खुश रहना होगा। चलो अब मुस्कुरा। अब मेरी आँखों में मीठे मीठे ख्वाब हैं, अजनबी राहों में दुनिया की बाहों में खिलती हूँ हर मौसम। हाय निकिता, बता दो फटाफट कहाँ जाना है। भी आप भी कमाल करते हो, इतनी देर कर दी है, चलो। हाँ लेकिन मैं क्या करती, तुमने मुझे बताया नहीं था ना कि कहाँ जाना है, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि कैसे टाइप के कपड़े पहनूं जो आउट ऑफ प्लेस और आउट ऑफ ओकेजन ना लगे। उसी पर फाइनली मैंने यही पहन लिए। अच्छा बताओ ना कहाँ जाना है। ईशा के घर चले। What's wrong with you? क्यों? वो कमा फिर भाभी, मैंने आपको बताया तो था हमें उसके साथ पैचअप करने जाना है। अंदर से नहीं लेकिन ऊपरी तौर से तो करना पड़ेगा ना, बिजनेस के फायदे के लिए। निकिता बिना किसी वजह के किसी के घर जाके मैं सॉरी नहीं कह सकती, चाहे अपने बिजनेस के लिए कितना ही फायदेमंद क्यों ना हो। तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकती हो। भाभी जब कुसुम ईशा के घर जा सकती, जबकि कुसुम और ईशा में ही प्रॉब्लम है उसे चेक वापस देने के लिए, तो हम क्यों नहीं जा सकते? कुसुम की बात अलग है, कुसुम ईशा की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और अब उसकी सौतन। हाँ इसीलिए तो, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम वहाँ जा सकते हैं, हमारे पास तो वहाँ जाने का बहाना भी है, ललित की बर्थडे पार्टी का। हम उसे सॉरी भी कह देंगे और पार्टी में इनवाइट भी कर लेंगे। निकिता ललित की बर्थडे पार्टी में तुम ईशा को कैसे इनवाइट कर सकती हो? वो हमारा क्लोज फैमिली अफेयर है, हमारे सारे फैमिली वाले होंगे वहाँ। ईशा आके क्या करेगी? वो आएगी भाभी, क्योंकि हम उसे इनवाइट करेंगे। अब आप ज्यादा सवाल मत करिए और चलिए। कम ऑन, मुझे तो अभय भैया और कुसुम भाभी का पैचअप इम्पॉसिबल लग रहा है। एक बार भाभी आ जाती ना तो कोई ना कोई बहाने से हम उन्हें रोक लेते, लेकिन उन्हें घर वापस बुलाए तो कैसे? मेरे पास कुर्बान के उड़ान के लिए एक A1 आइडिया है। अच्छा बता। पापा का बर्थडे। He has a point, हाँ आर्यमन। एक काम करते हैं, भाभी को इनवाइट करते हैं, जैसे एक बार वो घर आ गई तो उन्हें हम वापस रोक लेंगे। ये हुई ना पॉजिटिव बात। वेल डन।
पता नहीं गोदाम से माल बदला तो बदला किसने, समझ में नहीं आता। और हम बिना वजह तुम पे इल्जाम लगा बैठे। लेकिन ईशा तुम फिक्र मत कर, एक बार उसे हमारे हाथ आने दो, फिर देखना हम कैसा सत्कार करते हैं उसका। वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो कौन था। क्यों? जब चोरी मालिक नहीं की हो तो वो चोरी कभी पकड़ी नहीं जाती। नहीं समझ में आया, रहने दो, मेरी जितनी बेइज्जती होनी थी हो चुकी। हम उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं ईशा, तुमसे माफी मांगने ही आए हैं। और तुम्हें इनविटेशन देने भी। किस बात का? पहले तो इस बात का कि आज से एक बार फिर से हम बिजनेस साथ शुरू करेंगे, और इस बार कुसुम किसी भी तरह से हमारे साथ नहीं होगी। और फिर ललित भाई साहब का बर्थडे पार्टी भी तो है, हमने एक छोटा सा फैमिली फंक्शन रखा है अपने घर पे, तुम्हें आना पड़ेगा। आई एम नॉट फैमिली, तो मुझे क्यों बुला रहे हो? नहीं हो तो बन जाओगी ना, आखिर तुम कपूर खानदान की होने वाली बहू जो हो, तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरा वहां जाना अभय को पसंद आएगा, सो फॉरगेट अबाउट इट। वो सब हम संभाल लेंगे ईशा, तुम फिक्र मत करो, हमारे बिजनेस एसोसिएट के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। यू सी, सो यू कमिंग फॉर द पार्टी? आओगी ना? ओके। भूख लगी होगी ना, मैं भी खाना लगवाती हूँ, लाओ टाई निकाल दो। ज्योति, तुम फाइनली आज ज्वेलरी लाई हो ना? ओह ज्वेलरीज, दीदी वो क्या है ना कि मैं लॉकर की चाबी मैंने कहाँ रख दी, मैं मुझे मुझे याद ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ। ज्वेलरी एक बार साफ साफ कह दो कि तुम मुझे ज्वेलरी देना नहीं चाहती, एक बार मना करके पूरा मामला रफा दफा कर दो, ये रोज रोज का बहाना बनाना अच्छा नहीं लगता। यू सी, वैसे भी मुझे तो तुम पे शक होने लगा है, तुम्हारे पास वो डायमंड का सेट है भी या नहीं? अविशु, अब तुम तो मैं ज्योति को कुछ भी कहती हूँ तो बुरा मान जाते हो, और वैसे भी तुम बहुत समझदार हो। चलती हूँ, मैं खाना लगवाती हूँ। ज्योति जी, चाबी तो मेरे पास थी। ये देखो, अब चाबी आपके पास होगी तो मुझे कहाँ से मिलेगी? लाइए। अगर तुम्हें चाबी मिल भी जाती तो तुम क्या कर लेती? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आज बैंक गया था यही चाबी लेकर, और मैंने बैंक का लॉकर खोला था और उसमें देखा तो लॉकर खाली था, उसमें कुछ नहीं था। चाबी तो फिर तुम्हारी ज्वेलरी गई कहाँ? तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ गई? विशु, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना ज्योति। विशु हाथ छोड़ो, जवाब दो मेरी बात, ज्वेलरी गई कहाँ ज्योति? विशु, यू आर हर्टिंग मी विशु। मैं बताता हूँ सर, ज्वेलरी मेरे पास है। ज्योति जी ने मुझसे मना किया था कि मैं आपसे कुछ भी बताऊं, पर अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं आज आपसे सब कुछ साफ साफ और सच सच कह देना चाहता हूं। ज्योति ने ज्वेलरी तुमको क्यों दी थी? 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करने के लिए सर, और वही 2 लाख रुपए के बदले मैंने ज्वेलरी गिरवी रखी। तो वो 2 लाख रुपए कहां है? आपको क्या लगता है आपके प्लांट के रॉ मटेरियल का भुगतान कैसे हुआ, आपकी जो कंपनी रुकी हुई थी वो वापस कैसे शुरू हुई? सिर्फ इनकी बदौलत सर, सिर्फ इनकी बदौलत। ये चाहती थी कि आप जिंदगी में स्ट्रेस ना हो, इसलिए क्या क्या किया इन्होंने आपके लिए। पर देखिए सर, मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल हमारी मेडिसिन का केमिकल टेस्ट है, और कल से हमारा प्लांट
फुल फ्लेज्ड प्रोडक्शन शुरू कर देगा। और गुड पे सर प्लीज। नहीं आ सकता हूं तो क्या तुम भी मेरे पास नहीं आओगे? प्लीज निकिता और अरुंधति आए थे मुझसे मिलने। क्या? मुझे लगता है अपॉलोजाइज करने आए थे, लेकिन बहाना किसी और चीज का बनाया था। क्या कहने चाहते? ललित की बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करने आए थे। अरे हाँ, कल तो ललित चाचू का बर्थडे। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। देखो ईशा, अरुंधति चाची खुद तुम्हें बुलाने आई है, तुम्हें जाना होगा। अगर मुझे इनवाइट किया है तो कुसुम को भी इनवाइट किया होगा, और फिर मेरी उसी तरह इंसल्ट करेंगे जिस तरह जूनियर क्लब में की थी, राइट? सब कोई कुसुम को ही तुम्हारी बीवी मानते हैं, तुम्हारे फैमिली वाले भी उसी को सपोर्ट करते हैं। देखा नहीं था कॉन्फ्रेंस रूम में क्या हुआ था? मेरी बेइज्जती। आई कांट टेक दिस एनीमोर। बेहतर होगा अगर मैं ना जाऊं। एक मिनट। इस बात में जाना हो, वैसे भी उस घर में तो तुम्हें आना ही है ना, इसे बेहतर मौका क्या मिलेगा? भाभी, आपसे मिले हुए कितने दिन हो गए थे, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, तो सोचा आपसे आके मिल ले, और आज तो हम आपको लेने आए हैं। अब इसका मतलब यह है कि आज हम आपको लाली चाचू के बर्थडे पे इनवाइट करने आए हैं। लाली चाचू का बर्थडे है? हाँ, कब? आज ही है। घर पर शाम को छोटा सा एक फंक्शन है, और फंक्शन की जान आप होंगी। वैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज तो निकिता चाची ने किया है, वो खुद ही आ रही थी आपको इनवाइट करने के लिए, लेकिन इसने कहा कि यही आपको इनवाइट करेगी और इसी बहाने आपसे मिल भी लेगी। बेटा, यहाँ आने के लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका ही घर है, कभी भी आ सकते हैं। आई, बहुत जोर की भूख लगी है, वो आपके बनाए हुए वो नारियल के लड्डू होंगे। अच्छा, नारियल के लड्डू नहीं तो नहीं सही, किचन में कुछ ना कुछ तो होगा ना। अरे प्लीज, बहुत भूख लगी। तो भाभी, आप आ रही है ना? भाई, एक्चुअली मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपको यहाँ ले आया भूख का बहाना करके। भाई, कुसुम ने आपको सब कुछ तो बता दिया होगा, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शायद मैं ही आप लोगों का गुनहगार हूँ, अगर उस दिन मैं कुसुम को वाड़ा नहीं ले गया होता तो अभी इतना बड़ा लांछन उस पर कभी नहीं लगाता, और कुसुम यहाँ नहीं आती, उसका इतना बड़ा अपमान कभी नहीं होता। ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? हम सच्चाई जानते हैं। भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को तो लगता ही होगा ना कि अगर आर्यमन यहाँ नहीं होता तो अभी ये सब नहीं कहता। देखो, जो चीज होनी होती है ना, वो किसी भी तरह से होकर ही रहती है, उसमें तुम क्या कर सकते हो? हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं। सच है, आई आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, अब तो मुझे वाकई बहुत भूख लग रही है। रुको, पार्टी में क्या पहनेंगे? I'll wear a black saree. And you? White? Black and white. अच्छा लगेगा ना? अरे अभय, शाम को ललित की बर्थडे पार्टी में आ रहे हो ना? I'm sorry.
मैं शाम को नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी वजह से तो हमने ईशा को भी पार्टी में इनवाइट किया है और आपने कुसुम को भी इनवाइट किया। हाँ, रूही और तान्या खुद जाके कुसुम को इनवाइट करके आए हैं। चाची, ईशा नहीं चाहती कि कुसुम के होते हुए वो वहां आए, और अगर ईशा नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। लेकिन अब है तुम्हारे बिना पार्टी कैसे होगी? दैट्स इम्पॉसिबल। कुसुम, ईशा और अभय तीनों का ही जगह होना नामुमकिन है। उसे मैं मुमकिन बना दूंगी। देखो अभय, हमारा कुसुम से जो रिश्ता है वो तुम्हारी वजह से है। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम तो पार्टी में आ रहे हो ना? ओके। निकिता, तुमने कह तो दिया पर कुसुम से इनविटेशन वापस थोड़ी ले सकते हैं। आप बस देखते जाइए कि अब मैं क्या करती हूँ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Chachu, happy birthday to you. Thank you very much. Thank you very much, all of you. Please be seated. काम कीजिए अपना अपना। Thank you, Kusum. लेकिन ये क्या? नकली फूलों का गुलदस्ता दे रही हो आज के दिन? वो इसलिए चाचू, क्योंकि ये नकली फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। पर हाँ, इन नकली फूलों के साथ जो मेरी फीलिंग्स हैं, वो बिल्कुल रियल है। बातें बनाना सीख गई हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। मैं तुम्हारी ये असली ग्रीटिंग्स इन नकली फूलों के साथ यहाँ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसके लिए इस कुसुम नाम के फूल को शाम को हमारे घर आना होगा, वो भी मेहमानों की तरह नहीं। तब मैं तुम्हारी ग्रीटिंग्स एक्सेप्ट करूंगा। मंजूर है? मंजूर है। तो फिर शाम को पार्टी में मिलते हैं। ओके। चलती है चाची। बाय। गॉड ब्लेस यू कुसुम। आई विश ये फूल कभी ना मुरझाए। ब्लेस यू। अरे आप दोनों, कुछ काम था? शाम को पार्टी की तैयारी हो गई? अगर कुछ काम हो तो मुझे कह दीजिएगा, मुझे मदद करने में खुशी होगी। हाँ कुसुम, तुम तो घर की हो, हम तुमसे मैं तो जरूर आ जाऊंगी, डोंट वरी। इनफैक्ट मैं तो वक्त से पहले ही आने वाली हूँ ताकि तैयारियों में मैं हाथ बटा सकूँ। क्यों नहीं, तुम्हारी मदद की जरूरत तो पड़ेगी। एक्चुअली कुसुम, हमने शाम को पार्टी में ईशा को भी इनवाइट किया है। वो जो दुबई वाले कंसाइनमेंट की कंफ्यूजन हो गई थी, काफी इंसल्ट कर दी थी हमने उसकी। तुमने तो उसके घर जाकर उसका चेक लौटाकर अपनी टर्म्स ठीक कर ली। हमने सोचा कि अगर इस पार्टी में उसे इनवाइट करेंगे तो हमारी टर्म्स ठीक हो जाएंगी। ईशा से दोस्ती करने में ही फायदा है। और एक्चुअली कुसुम, ईशा आने के लिए राजी भी हो गई है, पर शायद अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा मतलब है, वो कह रही थी कि अगर तुम वहां रहोगी तो फिर और हमने कहा कि अगर ईशा पार्टी में ना आए तो ना आए, उसके ना आने से कोई पार्टी नहीं होगी क्या? और अभय ने कहा कि अगर ईशा नहीं आएगी तो अभय भी नहीं आएगा। ललित के बर्थडे पर अभय ना आए तो पार्टी कैसे हो सकती है? और इसीलिए अभय की जिद के आगे हमें झुकना ही पड़ा। कुसुम, तुम तो घर की हो, तुम तो हमारी प्रॉब्लम समझ सकती हो ना? हमारी प्रॉब्लम ईशा के ना आने से नहीं है, बल्कि अभय के ना आने से है। मुझे पता है कुसुम, तुम नहीं आओगी, पर अगर आ भी गई तो ये पार्टी कभी नहीं भूलोगी। निकिता, वो फाइल का कुछ काम बाकी रह गया था ना? हाँ, राइट। कुसुम, हम तुमसे बात करते हैं।